हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे जनरेटिंग फंक्शन फॉर JNX, मतलब बेसल फंक्शन के लिए हम जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बाकी के वीडियोस और प्लेलिस्ट में जाके हमारे बाकी के सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। जनरेटिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले आपको इसका जो प्रूफ है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है। आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी ये करने में। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखना है कि हम लोगों को पहले कंसीडर करना है एक फंक्शन एक्स एंड टी के, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी ई टू द पावर एक्स बाय टू टी माइनस वन बाय टी, ये मेरा फंक्शन मुझे कंसीडर करना है। अब ये कहता है कि जब मैं इसको, ये जो फंक्शन है, एक्सपेंड करता हूँ इन पावर्स ऑफ टी, तो द कोफिशियंट ऑफ टी एन, मतलब टी एन का कोई कोफिशियंट आएगा और वो कुछ और नहीं है बल्कि जे एन एक्स ही है। मतलब इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, एक्सपेंड कर दिया माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक, इसको एक्सपेंड किया तो मेरा जो टी एन और उसका कोफिशियंट साथ में, चाहो तो लिख सकते हो जे एन एक्स साथ में आएगा, ये मुझे प्रूव करना है, यही मेरी स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को आप याद कर लें, और आप ये याद रखेंगे तो इसके आगे आपके लिए बहुत इजी पड़ता है इसका प्रूफ। तो इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, दो स्टेप ही है शायद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। मेरे को एक कंसिडर करना है एक फंक्शन, और अगर मैं उसको एक्सपेंड करता हूँ इसको, मतलब मुझे इधर से ही पता लग रहा है मुझको इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करूंगा तो रिजल्ट टी एन जे एन एक्स आएगा और समेशन हो जाएगा हर वैल्यू ऑफ एन के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमें करना है। स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले अपना ये फंक्शन जो कंसीडर किया था ये लिख लिया। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको बस मल्टीप्लाई कर दूं और बाहर ले लूं, ई एक्स टी बाय टू और e माइनस एक्स बाय टू टी। तो अब आपको जो फर्स्ट यूनिट थी आपने उसमें एक्सपेंशन पढ़ा था, एक e की पावर एक्स होता है 1 + x + x² / 2 factorial + x³/3 factorial एंड सो ऑन। ये आपने जब टेलर और लॉरेंस पढ़ा था तब पढ़ा था। अब मैं इसी चीज का यूज करके ये जो है इसमें जो अलग अलग मैंने यहां पर ये करा है और ये करा है, इसको मैंने खोल दिया सबसे पहले, और अलग अलग मैं एक्सपेंशन लगा दूंगा, ये वाला एक्सपेंशन। तो मेरी वैल्यू आएगी, इसमें लगा देता हूं पहले एक्सपेंशन, और जो मेरी स्टेटमेंट थी वहां भी मैंने लिखा था कि जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो वो एक्सपेंशन ही मैंने लगाया, कुछ खास किया नहीं है। ये मेरा एक्सपेंशन हो गया, इसका एक्सपेंशन ये हो गया 1 x 1/2 factorial x² x³। एक्स मेरा पूरा ये कंसिडर हो जाएगा जैसे यहां पर है, ये पूरा मैंने एक्सपेंड कर दिया, और मैंने एन तक ही नहीं करा, n+1 n+2 factorial चलता जाएगा क्योंकि ये तो चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। यहां पर भी चला, यहां पर 3 आया, एन तक, n+1 तक दिखा सकते हैं आप, जितना आपको श्रद्धा हो आप दिखाना दिखाइए। अब इसके बाद क्या है, अब हमें करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट हम मल्टीप्लाई तो इतना कर नहीं सकते, कहां तक करेंगे। तो हम सीधा, आपको ये चीज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, वैसे पैटर्न से आपको एक चीज याद रह जाएगी तो याद रहेगी। इसके बाद का आपका स्टेप है कि मल्टीप्लाई करो सीरीज को, एंड आपको कलेक्ट करने टी एन, तो मल्टीप्लाई कर लोगे जब आप, पहले 1 पूरे सीरीज से, देन ये
फिर पूरे सीरीज से, और जो जो आपके टी एन के कोफिशियंट आएंगे उनको आप कलेक्ट कर लोगे, तो वो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद वो आपका कुछ इस तरह होगा। ये चाहे तो आप करके देख सकते हैं, बट आपको एग्जाम में भी सीधा डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक हल्का सा याद करना पड़ेगा, या प्रैक्टिस कर करके आपको याद हो जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है। सो इस तरह से मेरे कोफिशियंट्स कलेक्ट हो जाएंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको पूरा सॉल्व करके देखो, या फिर आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लो, याद करके रखो कि ये रिजल्ट आता था मेरा। अब इसके बाद इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये और ये चीज सिमिलर है। मैं अगर कहूँ 0 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, आपको पता है गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। यहां पर अगेन 1 फैक्टोरियल है, इसको मैंने फिर से, ये जो मेरा फैक्टर है इसको मैंने गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। और बाकी सेम ही रखता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं यह अभी आपको बाद में पता लगेगा। मैंने ये पूरा लिख दिया है। अब यहां मैंने कन्वर्ट इसलिए करा है क्योंकि अगर अब आप इसे ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट दिस होल इज आपका बेसल फंक्शन ही बन गया है। तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया और बेसल फंक्शन के टर्म्स में लिख दिया। जो लोग बेसल फंक्शन भूल गए हैं उनको मैं बता दूं, बेसल फंक्शन का ये आपका फॉर्मूला था डायरेक्ट। सो अगर देखेंगे 1/r फैक्टोरियल n प्लस आर x/2n+2। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि ये बेसल फंक्शन ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, नाउ जो आपने रिजल्ट मल्टीप्लाई किया था उसमें कोफिशियंट ऑफ टी माइनस एन भी आएंगे, 1/tn की भी सीरीज क्योंकि थी आपको पता है, तो वो भी चलेगी। तो उसके जितने कोफिशियंट आएंगे ना वो कुछ अलग नहीं, बस उनमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा -1/n का, अगर आप मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सपेंड करके देखेंगे तो। अगर आपने नहीं करा है डायरेक्ट याद करा है तो भी चलेगा, क्योंकि वो रिजल्ट कुछ और नहीं आपका jnx ही है। तो अगर जो आपकी माइनस टी एन की रहेंगी, टी नेगेटिव एन की रहेंगी, तो वो कोफिशियंट ऑफ टी नेगेटिव एन जो आएगा आपका वो होगा -1/n jnx, बस यही रहेगा, सेम ही रहेंगे। तो अब मैं अगर देखूं कि जो मेरा फंक्शन शुरू में मैंने लिया था e^(x/2)t1 - t, उसको तो मैं कुछ इस तरह ही लिख सकता हूं ना कि जे नॉट एक्स है, j1x, j2x, t2 ऐड होता जाएगा। अगर j3x है तो t3 ऐड होता जाएगा। और नेगेटिव के जो टर्म्स हैं -1/t, j1x हो गया, पॉजिटिव क्योंकि मेरा वो -1/n का फैक्टर चल रहा है, तो इसलिए ये इस तरह से सीरीज उसकी आ रही है, t3 j3x एंड सो ऑन। सो इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसको मैं फिर इस तरह भी ले सकता हूं क्योंकि मैं अब तक यहां पर ये निकाल के लाया हूं और मैंने समझ गया हूं कि कोफिशियंट टी का है ये, और नेगेटिव टी वाले में -1/n (j(n)x) ये मेरा कोफिशियंट रहने वाला है टर्म्स के साथ। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसी चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा पहले। तो वो सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देख लेते हैं।
सो सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये दिख रहा है मेरे को J1X, J1X इसका टी है साथ में ही है, तो इन चीजों को कॉमन ले लेता हूँ, मतलब टी माइनस 1/T है यहाँ पे, साथ में J1X कॉमन आ गया। इधर सिमिलर देखता हूँ, J2X दिख रहा है, J2X दिख रहा है इसका वो कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया टी स्क्वायर J2। सो इसको तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एक्स सिग्मा ऑफ 1 से इन्फिनिटी टी टू द पावर एन को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है ये हो गया। और ठीक है इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, नाउ इसी चीज को मैंने इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बस मल्टीप्लाई कर दिया है JNX को अंदर और इस तरह लिख दिया है। अब अगर मेरी लिमिट n 1 से इन्फिनिटी है तब तो ये चीज होल्ड करेगी, ये चीज भी होल्ड करेगी, बट अगर मेरी लिमिट है नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तो सिर्फ मेरा ये वाला फैक्टर होल्ड करता है। और यही मुझे प्रूव करना था शुरू में जब मैंने आपको बताया था कि ये मुझे प्रूव करना है। सो ये था आपका प्रूव, ये लिखने के बाद आप बोलेंगे कि नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्यों मैं सिर्फ ये वाला फैक्टर सारा जीरो हो जाएगा तो यही होल्ड करेगा इसलिए ये आएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।